मंत्री के अंतिम संस्कार के साथ ही भावी मुख्यमंत्री पद की दौड़ तेज हो गई है और उसमें सबसे पहला नाम डिप्टी सीएम मनोहर शिंदे का है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। शिंदे साहब मुबारक हो। मुबारकबाद बाद में, पहले उस गांधी को खत्म करो। अरे आप घबराते क्यों हैं? मेरी पूरी टीम इसी काम के पीछे लगी हुई है। हीरो या विलेन, दिल्ली के जिस डॉन देवधर गांधी को मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश का जिम्मेदार माना जा रहा है, उस बारे में दिल्ली की जनता क्या कहती है, आइए ये देखते हैं। हम देवधर गांधी के छत पे खड़े हुए हैं, वो हमारा बच्चा है। सीता देवी और उनका परिवार हमेशा लोगों की मदद करता रहा है। सारा मोहल्ला जानता है, उसको जरूर फंसाया जा रहा है। नो, देवधर गांधी हीरो है, कोई विलेन नहीं। एसिड से चली लड़कियों के इलाज के लिए पैसे देने वाला क्या आतंकवादी हो सकता है? देवधर गांधी हीरो है, हीरो। ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले देवधर गांधी ने सिर्फ इसी चैनल से बात की, उसने अपने परिवार और खुद को बेकसूर बताया है। मिस्टर देवधर गांधी, आप कहां से बोल रहे हैं? ये जल्दी पता चल जाएगा। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि मैं और मेरा पूरा परिवार बेकसूर है। मैं या मेरी बहन ने आदरणीय मुख्यमंत्री की हत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है। मैं या मेरा परिवार कोई आतंकवादी नहीं, ना ही किसी देशद्रोही संगठन से हमारा संबंध। एक बड़ी साजिश के तहत मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं? राज्य का बहुत बड़ा मंत्री और एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर। मैं नाम नहीं लूंगा अभी। क्यों, आप नाम क्यों नहीं लेंगे? मैं उनको एक आखिरी मौका दे रहा हूँ कि 4 बजे तक वो लोग खुद जनता के सामने आए और उन्हें सच बताएं। 4 बजे ही क्यों? क्योंकि 4 बजे के बाद मैं वीडियो सबूत के साथ हाईकोर्ट में खुद सरेंडर करूंगा। लेकिन कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए वो। नहीं पहुंचेगा मंत्री जी। हाँ, वो कॉल ट्रेस किया तुमने? और किस वीडियो सबूत की बात कर रहा है वो? अगर मेरा नाम आ गया तो? साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है वो हमारे साथ, ताकि हम कोई गलती करें और फंस जाएं। सुनो शर्मा, तुम पूरी टीम को लेकर हाईकोर्ट पहुंच जाओ। हर गेट पे, हर एंट्री पे स्नाइपर्स खड़े होंगे। जैसे ही वो देखिए उसे गोली से उड़ा दो। या शूट टू किल। साजिश उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब और पुलिस कमिश्नर नेगी साहब ने मिलकर रची थी। ये क्या कह दिया इसने? वो दोनों एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते थे, एक मुख्यमंत्री जी को मारकर खुद मुख्यमंत्री बनना और दूसरा देवधर गांधी और उसके परिवार पर हत्या का इल्जाम लगाकर अपने बेटे की हत्या का बदला लेना। इस काम को अंजाम देने के लिए नेगी साहब ने शिंदे साहब से 5 करोड़ रुपए लिए। इस साजिश का मैं एक चश्मदीद गवाह ही नहीं बल्कि एक अपराधी भी हूँ। देवधर गांधी की बहन को सुइसाइड बॉम्ब पहनाकर मैं ही स्टेज पर ले गया था। कमिश्नर नेगी साहब ने देवधर गांधी की बहन पर दबाव डाला कि अगर उसने इस काम को अंजाम नहीं दिया तो वो उसके परिवार को मार देंगे।
मुझे 5 करोड़ दीजिए। इधर गांधी की बहन के हाथों सीएम मरेगा, उधर उसका परिवार, और हम देवधर गांधी को मारकर उसे आतंकवादी घोषित कर देंगे। ये थी तुम्हारी प्लानिंग? इसी के 5 करोड़ लिए तुमने? कोई दान नहीं लिया था मैंने आपसे मिस्टर शिंदे। सीएम को मारकर कौन सीएम बनना चाहता था? मैं आप? कौन उसकी गद्दी पर बैठना चाहता था? मैं आप? मुझे सिर्फ 5 करोड़ रुपए देकर अरबों रुपए कमाने का सपना किसने देखा था? आपने मिस्टर शिंदे, आपने। बड़ी डींगे हाकी थी, कैसे देवधर गांधी के दोस्तों को झूठे एनकाउंटर में मारा, उसे दिल्ली से भागने के लिए मजबूर किया, कैसे उसे यहां पे। इस तरह झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा मिस्टर शिंदे, सोचने का वक्त है, मुझे सोचने दीजिए। तू सिर्फ अपनी सोच, नेगी सिर्फ अपनी। गांधी का फोन ट्रेस किया तुमने? यस सर। किस नंबर से फोन किया उसने? 9322181851। फिर से बोल। 9322181851। गांधी ने मेरे घर से फोन किया? तुम अंदर कैसे आए? मैं लेके आई हूं। इंदू, तुमने? सीएम साहब का खूनी है, मेरा दुश्मन है, और तुमने इसे हमारे घर में पना दिया? हमारे घर में नहीं, तुम्हारे घर में। ये मेरा घर नहीं है। मैं चलती हूँ देवा, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बच्चियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। और हाँ देवा, जो भी करना विश्वास के साथ करना। सुनो देवधर, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बात से हर समस्या सुलझ सकती है। हम ये सारा इल्जाम किसी और पर डाल देंगे, किसी पर भी। और रही तुम्हारी बहन, तो डीएनए रिपोर्ट में दिखा देंगे कि वो लड़की कोई और थी। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम और तुम्हारा परिवार बेकसूर है, ये मैं बोलूंगा, अपने मुंह से बोलूंगा। ऐसे वक्त पर सौदेबाजी नहीं करते शिंदे, जब लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। सौतेले भाई हैं। अगर सौतेला भाई आप जैसा होता है तो मैं दुआ करूंगी, भगवान हर बहन को ऐसा सौतेला भाई दे। भगवान से बस एक ही शिकायत है, आप जैसे भाई पे कुर्बान होने के लिए सिर्फ एक ही जिंदगी क्यों दी? अगले जन्म में मुझे अपनी बहन नहीं, अपनी बिटिया बनाना, आपकी बहन अंजलि। मेरी बहन को आरडीएक्स कहाँ लगाया था तूने? यहाँ लगाया था? यहाँ लगाया था? नहीं, यहाँ लगाया था? हाँ?
कहाँ लगाया था? कहाँ लगाया था? बोल, बोलता क्यों नहीं?